हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्लोब प्लस टेक्स्ट एनिमेशन। ये ज़्यादातर आपका एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सेगमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर आप अपना कोई इंट्रोडक्शन वीडियो करना चाहते हैं तो ये वाला ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू दिस। ओके, सो सबसे पहले बहुत सिंपल एनिमेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। सो वी विल बी कवरिंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स नाउ। तो हमने ऑप्शंस बहुत सारे सीख लिए, तो अभी उस ऑप्शंस को लेके नया नया ऑप्शंस के साथ हम छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो पहला वाला है ग्लोब प्लस टेक्स्ट एनिमेशन। सो सबसे पहले हम जाएंगे, वी हैव क्रिएटेड ए न्यू फाइल। मैं एक स्पीयर बना लेता हूँ। आई क्रिएट ए स्पीयर फ्रॉम माई टॉप व्यू। ऐसे टॉप व्यू से एक स्पीयर बना लिया। ओके, लाइक दिस। इसके बाद हम लोग मेटेरियल एडिटर में जाएंगे और उसको अर्थ का टेक्सचर देंगे। अर्थ का टेक्सचर आप कैसे देंगे? आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट में, आप गूगल में जाइए और अर्थ टेक्सचर टाइप कर दीजिए। ओके, इसका जो मैप सेक्शन रहता है वहाँ पे जाके अर्थ टेक्सचर। ओके, अगर आप अर्थ टेक्सचर टाइप कर देंगे कि अर्थ टेक्सचर गूगल इमेजेस में जाके, तो आपको कुछ इमेजेस मिलेंगे, उसमें से आप कोई इमेज ऐसा डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में यहाँ एम प्रेस करेंगे, मटेरियल एडिटर। आपका यहाँ पे मटेरियल एडिटर खुलेगा। सो इस बॉक्स में जाएंगे, डिफ्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर बिट मैप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे आपने डाउनलोड किया हुआ है आप वहाँ पे चले जाइए। ये वाला इमेज आ गया, असाइन शो मैप इन व्यू पोर्ट। बाई डिफ़ॉल्ट ठीक से आ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि अगर ठीक से नहीं आया है तो आप इसको मॉडिफाई में जाके, यहाँ पे UVW मैप है, आप UVW मैप अप्लाई कर सकते हैं। UVW मैप में हम लोग यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, स्पेरिकल अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा स्पीयर के जैसा लगेगा। हम चाहे तो कभी कभी बॉक्स भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ स्पीयर अप्लाई करते हैं और चारों ओर घुमा के देखिए ठीक आ रहा है कि नहीं। यस, ओके, ये टेक्सचर नेट से लोड किया हुआ है तो उन्होंने टेक्सचर ऐसे बनाया है कि वो चारों ओर ऑटोमेटिकली फिट होके आ जाए। ओके, सो ये बन गया मेरा अर्थ। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, ये प्रिस्पेक्टिव व्यू में कीबोर्ड में F प्रेस कर दूंगा, फ्रंट व्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं P प्रेस कर दूंगा तो ये पूरा सामने आ जाएगा। उसके बाद मैं कीबोर्ड में कंट्रोल C प्रेस कर दूंगा तो कंप्यूटर मेरा पूरा सीधा सीधा एक कैमरा बना देगा। ये देखिए, सीधा सीधा एक कैमरा बना दिया। आप इसका जो टारगेट है, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, इसका टारगेट है इसको मूव करके यहाँ सेंटर में रख दीजिए ताकि ज़्यादा वो इधर उधर ना हिले। ओके, सो ये हो गया मेरा ग्लोब। ओके, यहाँ से ग्रिड हटा दीजिए, ग्रिड का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो ऐसे चारों ओर घूम के आए। ओके, आपने देखा होगा यूनिवर्सल का लोगो ऐसे आता है, और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो अपना डिज़ाइन इस तरीके से क्रिएट करती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख लेंगे, क्रिएट टू शेप्स। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे। सो मैंने फ्रंट व्यू पे जस्ट क्लिक किया, कंप्यूटर ने मैक्स टेक्स्ट लिख दिया। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा, सपोज JSR इंस्टीट्यूट मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूँ मेरा भी ऐसे राउंड होके आए। ओके, इसका हम लोग फॉन्ट चूज कर लेते हैं, कैसा फॉन्ट आपको चाहिए। मैं एरियल ब्लैक रख लेता हूँ, थोड़ा थिक आएगा। इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, थोड़ा सा थिकनेस दे देंगे ऐसे। इसका टेक्स्ट मोड में जाएंगे, इसका हम लोग हाइट साइज कम कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, इसको टॉप व्यू से सामने ला के रखते हैं ऐसे, लाइक दिस। इसको ऐसे ऊपर उठा दीजिए, लाइक दिस। ओके, ऐसे। अभी मुझे ये थोड़ा बेंड चाहिए। ओके, मैं ये व्यू को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कैमरा कर देता हूँ। इसको मैं कैमरा करके F3 कर देता हूँ, इसको मैं लेफ्ट व्यू कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो यहाँ पे है, आपको नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैं टॉप व्यू में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ये वाला थोड़ा बेंड हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, एक बेंड मॉडिफायर आपको मिलेगा, बेंड। बेंड में जाके आप एंगल देखिए, अगर एंगल ठीक नहीं आ रहा है तो आप एक्स ट्राई कीजिए। हाँ, एक्स में ठीक आ जा रहा है। अगर आपका एक्स में ठीक नहीं आया तो वाई ट्राई करेंगे, नहीं आया तो जेड ट्राई करेंगे, नहीं तो एक्स करके 90, फिर वाई करके 90, जेड करके 90। ये 6 ऑप्शन में से कोई एक में अपने आप ठीक आ जाएगा। ओके,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ क्रिएशन उसका चेंज होता रहता है। ओके अभी मुझे लगता है एक्सट्रूड थोड़ा ज़्यादा हो गया, पढ़ा नहीं जा रहा है तो एक्सट्रूड थोड़ा कम कर देते हैं। ओके अभी ठीक लग रहा है, ओके कम कर देते हैं इतना, ठीक है ओके और थोड़ा रख सकते हैं। कलर, ये कलर है, मैं मटेरियल एडिटर में जाता हूँ, मैं दूसरा बॉक्स में क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए रेडिश कलर थोड़ा देते हैं, मैं थोड़ा रेड कलर देता हूँ। इसका सेल्फ इल्यूमिनेशन ग्लॉसीनेस थोड़ा बढ़ा दीजिए, ओके लाइक दिस। हाँ अभी ठीक आ रहा है, क्लोज कर दीजिए लाइक दिस। ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, हम लोग यहाँ लाइट्स में जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइट में जाएंगे। मैं एक ओमनी लाइट डालता हूँ यहाँ पर, एक लाइट यहाँ से दिया, फ्रंट में देखिए लाइट यहाँ पे है, इसको शिफ्ट पकड़ के कॉपी कर दीजिए, एक लाइट यहाँ से दिया लाइक दिस। ओके दो लाइट, एक लाइट चाहूँ तो मैं पीछे से दे सकता हूँ ऐसे। ओके अभी यहाँ कैमरा को शिफ्ट क्यू प्रेस करके रेंडर कीजिए, आप देखिए हाँ इस तरीके का आ रहा है। आपको लग रहा है अगर ठीक है तो ओके ऐसा रखेंगे। ओके सो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो अर्थ है इसको कितना फ्रेम में करेंगे, मैं चाहता हूँ मैं ये वाला 5 फ्रेम्स में करना, सॉरी 5 सेकेंड्स में करना चाहता हूँ। 5 सेकेंड में मेरा JSR इंस्टीट्यूट ऐसे घूम के आएगा, तो 5 सेकेंड होने से नॉर्मली हमारा आज के डेट में 25 FPS रहता है आउटपुट का स्पीड, या फिर 30 रहता है, 50-60 भी कर सकते हैं लेकिन रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं 25 में करता हूँ और ये 5 सेकेंड नहीं, इसको 6 सेकेंड कर लेते हैं, इसको 150 कर देता है, इसका लेंथ मैंने 150 कर दिया। ओके अभी हम लोग कीबोर्ड में एन प्रेस कर देंगे तो ऑटो की ऑन हो जाएगा। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ग्लोब को, इसको मैं मूव करके पूरा यहाँ कोने में रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टॉप व्यू में मैं रोटेट के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके 360 दे देता हूँ। ओके सो अभी आप इसको प्ले कर कीजिए, देखिए आपका ग्लोब ऐसे घूम रहा है लाइक दिस। ओके लाइक दिस अभी मैं चाहता हूँ मेरा जो प्ले होने से क्या हो रहा है, मेरा ग्लोब घूम रहा है, देखिए ग्लोब घूम रहा है लाइक दिस। अभी मैं चाहता हूँ मेरा नाम पीछे से आएगा, अभी देखिए मेरा नाम पहले से ही आगे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एन प्रेस करके, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, एन प्रेस करके एनिमेट ऑफ कर देंगे, मूव टूल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे हायरार्की, यहाँ पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पाइवट ओनली, और ये वाले को आप इसको सेंटर में ला के रखिए लाइक दिस। इसके बाद क्रिएट के ऊपर वापस आ जाइए। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 100 फ्रेम में जाता हूँ, 100 फ्रेम। ओके एन प्रेस कर देता हूँ, रोटेट में जाके मैं थोड़ा सा हलचल कर देता हूँ थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा ये की बन जाएगा। ओके 0 से 100 तक, 0 में एक की बन जाएगा, 100 में एक की बन जाएगा। अभी मैं 100 में जाता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ। अभी हालांकि इसका जो पाइवट सेंटर में है तो इसीलिए ये मेरा ऐसे पीछे चला जाएगा लाइक दिस। अभी आप प्ले करेंगे, देखिए मेरा ग्लोब ऐसे घूम रहा है, मेरा टेक्स्ट ऐसे आ रहा है लाइक दिस। ओके ये देखिए मेरा वीडियो आउटपुट, अगर मैं प्ले कर, मैंने 150 नहीं किया, मैं चाहता हूँ 100 फ्रेम में आके टेक्स्ट मेरा रह जाए, ग्लोब थोड़ा घूमता रहे, क्योंकि लास्ट में टेक्स्ट में आके रहेगा जब, मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा, आते ही कट जाएगा तो उतना फीलिंग नहीं आएगा। तो 100 फ्रेम में मैं इसको रख दे रहा हूँ। अभी आप प्ले कीजिए, ये देखिए मेरा टेक्स्ट ऐसे घूम के आया, रह गया, लेकिन मेरा ग्लोब घूम रहा है। ओके हम अभी क्या करेंगे, मैं थोड़ा कैमरा भी एनिमेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो मैं मूव टूल में जाता हूँ, मैं यहाँ 150 फ्रेम में जाता हूँ, 110 फ्रेम में जाते हैं, 110 या 120 आपका मर्जी। यहाँ देखिए नेक्स्ट फ्रेम प्रीवियस फ्रेम का शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, फुल स्टॉप इज नेक्स्ट फ्रेम, कॉमा इज प्रीवियस फ्रेम। मैं अगर 120 में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ स्लाइडर माउस से घूमने का ही मैं डिपेंड नहीं रहूँगा, कभी कभी 1-2 फ्रेम कम ज़्यादा करने के लिए ये फुल स्टॉप और कॉमा का भी मैं सहारा ले लूँगा। ओके 120 में मैं कैमरा को क्या करता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, तो इससे क्या होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट और लगेगा ऐसे बस। ओके अभी देखिए एनिमेट कैसा होगा, आपका कैमरा भी आगे बढ़ रहा है, ग्लोब भी घूम रहा है और टेक्स्ट भी आ रहा है। ओके इसको अगर आप किसी इंट्रोडक्शन वीडियो में डालेंगे तो आपको अच्छा क्वालिटी आएगा। अभी देखिए इसको वीडियो में कैसे रेंडर करते हैं। ओके आप यहाँ पे रेंडरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आज तक आपने सिर्फ क्या किया, शिफ्ट क्यू प्रेस किया, रेंडर हो गया,
इसको सेव करके आपने इमेज फॉर्मेट में सेव कर लिया, आज तक जो करते थे। अभी मुझे वीडियो सेव करना है, तो आप रेंडरिंग में जाएंगे, यहाँ पे रेंडर सेटअप में जाएंगे, ये वीडियो रेंडर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग एक्टिव टाइम सेगमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा 150 फ्रेम रेंडर करना है, नहीं तो आप रेंज में भी नंबर दे सकते हैं। इसका साइज़ मुझे चाहिए HD TV, देखिए 1920 सबसे बढ़िया क्वालिटी है HD का। अभी हम थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा जल्दी रेंडर करके आउटपुट के लिए हम 1280 ले सकते हैं या 480 भी ले सकते हैं। सपोज़ मैं थोड़ा अच्छा क्वालिटी चाहता हूँ तो मैं 1280 लेता हूँ। अभी मैं रेंडर प्रेस करूँगा, रेंडर प्रेस करने से पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं रेंडर करूँगा तो मेरा रिकॉर्डिंग बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँगा, इसके बाद रेंडर करूँगा, रेंडर जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं बैक में आऊँगा। रेंडर प्रेस करने से पहले आपको फाइल सेटअप करना पड़ेगा। आप फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारा AVI फॉर्मेट चूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्स में वीडियो आउटपुट AVI में होता है। सो डेस्कटॉप में जाता हूँ, मैं एक फाइल का नाम दे देता हूँ जिसमें यह सेव होगा। मैं यहाँ पे अर्थ ग्लोब टाइप कर देता हूँ, अर्थ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, सेव के ऊपर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा DV एनकोडर, इसको ओके कर देंगे। ओके, अभी मैं वीडियो पॉज करूँगा और रेंडर करूँगा। ओके, ये देखिए मेरा अभी रेंडरिंग ख़त्म हो गया है, 150 फ्रेम। ये 1x1 होता है, इट टेक्स अराउंड, आपने मेरा प्रीवियस स्टॉप रिकॉर्डिंग देखा होगा 11:40 में या कितना हुआ होगा, मतलब 5 मिनट लगा बेसिक रेंडरिंग के लिए। ओके, अभी मैं इसका वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, ये अर्थ टेक्स्ट आ गया, इसको डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो आने में, स्टार्टिंग में लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, ये देखिए। ओके, तो हमने ये 1280x720 साइज में रेंडर किया है। अगर हम लोग और थोड़ा 1920 में करते तो और इसका क्वालिटी बेटर आता। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ ए अर्थ ग्लोब एनिमेशन आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा, जब एडिटिंग करेंगे, वीडियो एडिटिंग, लाइटिंग इफेक्ट, ग्लेज इफेक्ट, वो सब भी देखे, वो एडिटिंग में किया जाता है, कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है। आप कैमरा ऐसा सीधा नहीं लेके, ऐसा टेढ़ा ले सकते हैं जैसे यूनिवर्सल में लिया जाता है। ओके, तो अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके आप इसको और डेवलप करके कर सकते हैं। थैंक यू।